से आप लोग चलिए अगर नेक्स्ट लेके आए हैं, आज गुब्बारे को फुलाते हैं, बिना मुंह से फुलाए गुब्बारे फुलाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि गुब्बारे कैसे फुलता है बिना मुंह से फुलाए हुए, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, एक बोतल चाहिए, आगे बोतल, उसके लिए चाहिए मुझे बेकिंग सोडा, यहाँ हो गया, आइए हो गया विनीगर, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना होता है, पहला हम विनीगर को बोतल में रखते हैं, ठीक है। चलिए बोतल रखे विनीगर को, ये थोड़ा सा बैलून जितना फुलाना उसके हिसाब से विनीगर रखा हुआ है, ठीक है। पहले फिर विनीगर को साइड कर देते हैं। क्या करना है, एक नैपकिन को लेना है, ठीक है। एक नैपकिन लेना है, इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिए, खाने वाला डाल दिए, ठीक है। ये डाल दिए थोड़ा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए अब इस पर हम लोग इसको लपेट देते हैं, ठीक है। ऐसा लपेट ताकि फटी नहीं, ठीक है, ताकि ये फटी नहीं, ऐसे लपेट के ऐसे फटी नहीं। तो क्या करना है, ये लपेट के ये डाल देना है इसके अंदर, इसके अंदर डाल के ये चल गया, इसके अंदर फिर ये बैलून लगा देना है, इसके ऊपर अच्छे से पैक कर देना, पता चले हमारे को ये डाल देना। अब ये देखिए बैलून हमारा खुलने के लिए तैयार हो जाएगा, ये देखिए हमारा बैलून खुलने के लिए तैयार हो गया। देखिए ये देखिए धीरे बैलून फूलता जाएगा, ये देखिए बैलून अब फूल रहा है, कितना फूल रहा है ये देखिए, जितना विनीगर और जितना सोडा डालेंगे उसी के अनुसार बैलून फूलेगा। और ये हमारा बैलून फूल के तैयार हो गया, और देखते हैं कितना फूलेगा ये। ये देखिए बैलून हमारा काफ़ी फूल गया, ये तो बैलून, चलिए देखते हैं बैलून कितना और फूलता है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बैलून फूलना स्टार्ट हो गया है और फूल भी रहा है, इसके पीछे क्या है साइंस, चलिए आप लोग बताइए कमेंट में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेकिंग सोडा और सिरका का रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो CO2 छोड़ता है, उसी से ये बैलून फूलता है। देखिए बिना मुंह से फुलाए बैलून फूल रहा है, चलिए अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये देखिए बैलून फूल के तैयार हो गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।